आप सब देखते हैं, देख रहे हैं, इनको भी लेना छोटा होता है, कस्टमर इसको देख रहे हैं। मतलब आपका क्या धनतेरस का त्यौहार न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हर साल एक संजीवनी के रूप में प्रकट होता है और तमाम ऐसे ग्राहक हैं, ऐसे वरिष्ठ लोग भी हैं जो मार्केट में आए हुए बाजार में आए हुए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, आपसे बात करेंगे। लंबे समय से आप ये त्यौहार मना रहे हैं, शुरू से ही बचपन से ही, क्या देख रहे हैं, कभी धनतेरस के मौके पर कहीं उत्साह की कमी दिखाई पड़ी है, हर साल लगातार उत्साह बढ़ता ही जा रहा है? क्योंकि ये आस्था से संबंधित है इसलिए लोग घर आते हैं और मैं तो खुद जो है लगभग 15 साल से मिलता है कई आता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं, ज्वेलरी ज़रूर खरीदते हैं और ऐसी चीज़ें जो शुभ होती हैं जो ये माना जाता है कि जिससे हमारी अपनी जो घर की अर्थव्यवस्था है उसका भी मनोबल बढ़ता है। और माता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर एक ज्वेलरी शोरूम करा रही हैं। माता जी क्या सोच के निकलते हैं, क्यों धनतेरस के मौके पर ही निकलते हैं, कैसा धार्मिक विश्वास है? ये बहुत बड़ा त्यौहार, इसलिए शुभ के लिए चाहे कुछ छोटी जरूरी है, इसलिए हमने अपनी सास के समय से देखा है, इसलिए हम उसको तो ये सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये परंपरा है। नहीं, ये परंपरा है, ये हमारे धर्म और संस्कृति की वो बंधन है जिनका हम निर्वहन कर रहे हैं। और धनतेरस पर जैसा कि माता जी ने बताया कि आपकी सास भी हर साल धनतेरस पर खरीदारी करती थी, ये भी कर रही है, उनकी बदले में करेगी। और ये परंपरा आदिकाल से जो भारतवर्ष में जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं दुनिया में, ये आदिकाल से जो परंपरा चल रही है ये अनंत तक यूँ ही चलती है। लखनऊ से के लिए।